हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लोइंग स्किन किस तरह से हम कर सकते हैं, जिसमें रिंकल्स जो है उसमें, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको रिंकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल जो है प्रोसेस है जो परमात्मा ने हमारा बनाया हुआ है, और नेचर से खिलवाड़ तो हम कर नहीं सकते। हाँ, बट हम कुछ ऐसी चीजें, हेल्दी चीजें लेकर उसमें कुछ डिले कर सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी, सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। जिस तरह प्रकृति के ऊपर अगर हम पेड़ उगाएं, अच्छे अच्छे फूल उगाएं, ग्रीनरी करें, तो वो कितनी सुंदर हो जाएगी। और एक रेगिस्तान है और एक तरफ ग्रीनरी है, तो कौन सी सुंदर लगेगी, कौन सी नेचर आपको बहुत अच्छा है, ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसी तरह से हमारा फेस है, हमारी स्किन है, अगर हम उसको एक अच्छी डाइट दें, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, उसको हाइड्रेटेड रखें, देन आपकी स्किन जो है उसमें रिंकल्स भी डिले हो जाएंगे, स्मूथ होएगी, हेल्दी सेल्स बनेंगे। तो जो उन सब चीजों के लिए जो जरूरी होता है, जरूरी तो बहुत कुछ होता है, पर हम आज एक ही टॉपिक पकड़ेंगे, दैट इज सेरामाइड्स। तो सेरामाइड्स के कौन कौन से रिच फूड आपको लेने चाहिए, जिससे आपकी स्किन जो है वो सदा जवान और खूबसूरत बनी रहे, और उसमें बुढ़ापा आए भी तो बहुत देर बाद बुढ़ापा आए, तो उसके लिए आपको जानना है, देन वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो उससे पहले आपको एक चीज करनी है, दैट इज आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, जो रेड बटन है नीचे उसको प्रेस कर दीजिए, वो ग्रे कलर का हो जाएगा, देन आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तब वहां पे तीन ऑप्शंस आएंगी, तो आपने ऑल वाली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। अगर आप ऑल की ऑप्शन जो है वो प्रेस नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, देन आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको नहीं पता लगेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की हुई है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक जरूर दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है किसी चीज को चुनकर लेके आना आपके लिए, ठीक है, और उसके ऊपर स्टडी करना और ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो उससे अगर आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलती है, और भी अच्छी अच्छी चीजें, ट्रू चीजें निकाल के लेने के आने को दिल करता है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेरामाइड्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप जानोगे कि सेरामाइड्स क्या होते हैं, तभी आप वो वाला जो मैं चीजें आपको बताऊंगी वो खाने की तरफ आप जो है अपनी खाने में उन चीजों को प्रमोट करोगे। अगर आपको सेरामाइड्स नहीं पता तो आप नहीं प्रमोट करोगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ, जिस तरह से हमारी जो बॉडी है वो कितने परसेंट वाटर से बनी है, आपको इतना तो सबको पता होगा, दैट इज 70% वाटर से बनी हुई है। बट जब स्किन की बात आती है तो स्किन तक पहुंचते पहुंचते वो जो वाटर की परसेंटेज है, वो पर्सन टू पर्सन, वो किसी की 10%, किसी की 5%, किसी की 20%, किसी की 30%, किसी की 40%, किसी की 45%, तो इस तरह से हो जाती है। तो जिनकी परसेंटेज जो वाटर को एक जिस तरह से लॉक लगाकर जो रखते हैं, दैट इज सेरामाइड्स। सेरामाइड्स होते हैं वाटर को लॉक करके रखते हैं आपके स्किन में, क्योंकि स्किन आपका एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसा फिल्टर है, जो सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जो बैक्टीरिया हैं, बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया, वो वर्क करते हैं आपकी स्किन के ऊपर ही। तो अगर आपकी स्किन जो है वो हेल्दी स्किन होगी, तो जो गुड चीजें तो उसके अंदर स्टोर रहेंगी, बट बैड उसके ऊपर जो है नहीं अफेक्ट अपना डाल सकेगी। अगर सेरामाइड्स की प्रोडक्शन आपकी स्किन खुद ही करती है, अगर सेरामाइड्स की प्रोडक्शन आपकी स्किन खुद करती है, वो अच्छा प्रोडक्शन करती है, तो जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, आप गंदे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, आप पॉल्यूशन बहुत ज्यादा उस एरिया में रह रहे हो, देन आपकी स्किन जो है वो फिर भी हेल्दी रहेगी। और दूसरी चीज जो वर्क करती है, दैट इज इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, तो इम्यूनिटी को जरूर समझिए, इम्यूनिटी ही है, मतलब उसके बिना कुछ नहीं है, इम्यूनिटी ही है, इम्यूनिटी को लाइटली मत लीजिएगा। तो सेकंड जो फर्स्ट चीज जो मैं बोलूंगी वो इम्यूनिटी ही होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, देन एवरीथिंग वर्क ऑन योर बॉडी, ठीक है, आप राख की चुटकी भी खाओगे वो भी आपके ऊपर काम करेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो जो मर्जी खाते रहो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हम बात कर रहे थे वो सेरामाइड्स की। तो सेरामाइड्स जो होते हैं वो आपके स्किन का एक लिपिड बैरियर्स होते हैं, लिपिड बैरियर्स जो आपके स्किन के अंदर जो है मॉइस्चर को, आपके एपिडर्मिस में जो मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं,
जिस तरह से एक जब हम घर बनाते हैं तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है, उसी तरह से सेरामाइड्स की जरूरत होती है आपके हेल्दी जो सेल्स हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको एकदम से इकट्ठा करके ऐसे करके इकट्ठा करने के रखने की जरूरत है, ताकि वो ऐसे बिखरे हुए ना पड़े रहें। जितने वो बिखरे हुए पड़े रहेंगे उतनी ही आपकी स्किन जो है वो लूज होगी, उतने ही रिंकल्स होंगे, उतने ही फाइन लाइंस होंगे। अब आपको बात इतनी समझ आ गई कि दो ईंटों को जोड़ने के लिए जो सीमेंट काम करता है वही सेरामाइड्स काम करते हैं। अगर सेरामाइड्स जो अकेले है वो इतना बेटर काम नहीं करते हैं तो उसको तीन चीजें साथ में काम करती है, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल भी आपका बॉडी में होना, आपके स्किन में होना बहुत जरूरी है। गुड कोलेस्ट्रॉल काम करता है, फैटी एसिड्स काम करते हैं, तो फैटी एसिड्स में भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वहां पे भी आप उसको जाके देख सकते हो कि कितनी जरूरत है, कितना खाना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया तीनों चीजें जो मिलकर है बहुत अच्छा काम करती हैं आपकी स्किन के ऊपर, उसके मॉइस्चर को लॉक करके रखती हैं। तो आप कौन सा फूड, क्या चीज आप ले सकते हो जिससे कि आपका जो सेरामाइड प्रोडक्शन है जो बॉडी आपकी कर रही है वो बूस्ट हो, अच्छे से प्रोडक्शन करे आपकी स्किन, तो उसके लिए जो सबसे पहले चीज आती है दैट इज सोयाबीन। तो सोयाबीन से जितने भी बने प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ले सकते हो। सोयाबीन से जो है सोयाबीन की जो सब्जी है वो आप खा सकते हो, सोयाबीन की वड़ियां आती हैं आप वो ले सकते हो, सोयाबीन की जो दाल आती है आप उसको वो ले सकते हो, सोयाबीन का आटा आता है आप उसको ले सकते हो, जो है वो टोफू आप ले सकते हो, उसका कर्ड आप ले सकते हो। तो सोयाबीन अगर प्रोडक्ट्स की जो आप लिस्ट जानना चाहते हो तो आप सर्च करके देख सकते हो। तो सोयाबीन से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं आप अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो सेरामाइड प्रोडक्शन आपका बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने जो मुट्ठी भर नट्स लेते हो तो उससे आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो स्किन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है आपकी विटामिन डी को बनने के लिए, जो आप धूप में बैठते हो तो उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल। तो मुट्ठी भर आप नट्स ले सकते हो पूरे दिन में, कोई भी नट्स हो, चाहे वो सस्ता नट है चाहे वो महंगा नट है, एक मुट्ठी भर नट्स आप ले सकते हो तो वो आपके सेरामाइड प्रोडक्शन को बहुत अच्छा बढ़ाता है। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है दैट इज डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई आइटम्स। बट दूध से बनी हुई आइटम्स में अगर आप उसको कहें कि वो मिठाइयां आ जाती हैं, बर्फी आ गई, गुलाब जामुन या रसगुल्ले आ गए, तो वो चीजें क्रॉस नहीं लेनी है। तो दूध से बने हुए अपने हेल्दी प्रोडक्ट्स लेने हैं। आप जो है दूध ले सकते हो, आप उसका पनीर ले सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो। तो दूध से बनी हुई जो शुगर फ्री चीजें हैं जिसमें शुगर ना डाली हो, उस तरह से कुछ भी आप बनाकर दूध का आप ले सकते हो, उसमें चीनी को अवॉइड करना है आपने, ठीक है। जो आप पनीर निकालते हो, अगर आप घर में पनीर निकाल रहे हो तो जो पनीर तो आपने रख लिया, बट पनीर का पानी जो है वो सारे लोग फेंक देते हैं, वो पनीर का पानी बहुत बेनिफिट देता है। आप वो पनीर का पानी यूज कर सकते हो। आप राइस बना रहे हो तो राइस जब आप उबाल रहे हो तो राइस बनाने के वक्त आप वो पानी यूज कर सकते हो। आप दाल बना रहे हो तो दाल बनाने के लिए आप वो पानी यूज कर सकते हो। तो आप अगर ऐसे ही पी सकते हो तो आप उस पानी को ऐसे ही पी लीजिए। तो ये होगी, ये वाली नेक्स्ट चीज होगी। नेक्स्ट आता है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो एग्स खा सकते हैं। तो एग्स भी अगर आप खाते हैं तो वो भी आपके सेरामाइड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है दैट इज शकरकंदी। शकरकंदी जिसको कि स्वीट पोटैटो बोलते हैं, स्वीट पोटैटो की आप चाट बना के खा सकते हैं, आप उसकी पराठे बना के खा सकते हैं। तो आपको जिस तरह से भी जो भी डिश आती है बनानी, अगर आप उसको बॉईल करके खाएं जिस तरह हम बॉईल करते हैं, या उसको रोस्ट करके खाएं, देन वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। या उसको जो है कद्दूकस कर लें उसको, और उसको आटे में गूंथ कर उसकी पराठे या रोटी जो जिस तरह भी आप खाना चाहें उसको उस तरह से खा सकते हैं, तो वो भी आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस जो अगर आप खाते हैं तो वो भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, वो भी सेरामाइड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं।
तो आप वो ब्राउन राइस जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप रोज इन चीजों को ले, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि सेरामाइड्स जो आपकी स्किन अपने आप प्रोड्यूस कर लेती है। बट कई कई बार जो होता है, जिस तरह से वेदर चेंजेस होते हैं, ज्यादा सर्दी है या ज्यादा गर्मी है, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आप बहुत ज्यादा जा रहे हो, तो आप तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन जो ये खाने हैं उनको अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करें। नेक्स्ट जो आ जाती है, नेक्स्ट चीज है वीट जर्म। तो वीट जर्म आप ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में लें। अगर आप वीट जर्म नहीं ले सकते, आप तो वीट ग्रास का जूस ले सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वीडियो देख सकते हैं कि कितना लेना है, कैसे लेना है और घर में ही आप उसको कैसे उगा सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उनके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। कॉर्न्स, कॉर्न्स तो सभी के फेवरेट होते हैं, तो आप कॉर्न्स ले सकते हैं। बॉयल करके कॉर्न्स लीजिए तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। कॉर्न्स की आप वेजिटेबल बना सकते हैं। कॉर्न एंड कैप्सिकम की वेजिटेबल बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल बनती है। उसमें आप आलू मत डालिए, आप कैप्सिकम लीजिए। कैप्सिकम भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कैप्सिकम और कॉर्न्स की आप वेजिटेबल बना सकते हैं। वेजिटेबल नहीं खाते हो तो आप इसका सैलड बना सकते हो। कैप्सिकम लीजिए, कॉर्न्स लीजिए और क्यूकम्बर लीजिए। तो इन चीजों को, टमाटो लीजिए, टमाटो बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, लाइकोपीन होता है इसमें। तो ये इन चीजों का एक सैलड बना के, एक बाउल भर के आप खा सकते हैं, तो जो आपकी स्किन को बाइंड करेगा, हेल्दी जो सेल्स है उसको नियरली पास पास में नजदीक नजदीक आके जब वो बाइंडिंग होगी, सब सेल्स नजदीक आएंगे और ये लिपिड बैरियर जो बढ़ता जाएगा, देन आपकी स्किन उतनी ही ज्यादा टाइट होगी। तो ये सब चीजें उसको सपोर्ट करती हैं। नो कॉस्ट, जिसको हम बोलेंगे कोई कॉस्ट नहीं लगती। आपने खाना तो खाना ही है, बट हेल्दी खाना खाइए। इसके बहुत सारे जो है सप्लीमेंट्स भी आती हैं सेरामाइड्स की, आपको क्रीम्स भी मिल जाएंगी, आपको सप्लीमेंट्स कैप्सूल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, बट वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं यही कहूंगी, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, अपनी खाने में जो है अच्छा खाना खाते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।